मेरे घर में बीवी बच्चे हैं तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल करो, बीच मैच में ये बात बोल दी केविन हॉज ने मार्क वुड को। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसी पे आज हम बात करेंगे। बेसिकली तो उन्होंने ऐसा जोक ये कहा था ड्यूरिंग हिज बैटिंग, और ये बात उन्होंने रिवील की ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी आउटस्टैंडिंग सेंचुरी स्कोर की। अब ये क्यों हुआ, मामला कैसे हुआ, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपना ओपिनियन दीजिए, कैसी लगी आपको सेंचुरी केविन हॉज की जब वेस्ट इंडीज मुश्किल में था, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वेस्ट इंडीज के जब खिलाड़ी स्कोर करते हैं तो सबको अच्छा लगता है कि जो लेगेसी है, जो उनका एक रहा है, सो बड़ी फाइटिंग सेंचुरी थी, अपना कमेंट बताइएगा। अब चलिए इस वीडियो पे बात करते हैं, आगे चल के कुछ मजीद बात भी करेंगे इस हवाले से। बात ये है कि वेस्टइंडीज मुश्किल में था, ऊपर से कुछ विकेटें जल्दी गिर गई, तो एक पार्टनरशिप बनानी थी, तो केविन हॉज ने अपनी एक कैरेक्टर दिखाया जो कि हमेशा वेस्टइंडीज के प्लेयर में एक फाइटिंग स्पिरिट, एक नेचुरल टैलेंट की जो एक हमेशा से खुशबू आती है, वही लगी केविन हॉज में। एथनस जो हैं वो उन्होंने भी बहुत अच्छा साथ दिया उनका। अब जब मार्क वुड के हाथ में गेंद आया ना भैया, वो एक गरम गरम जैसे आग के गोले नहीं होते, ऐसे वो गोले बरसा रहे थे, वैसे जैसे होता नहीं है कि गर्मियों में आप जाए और तंदूर वाला गर्मा गर्म रोटियां, भाई ये लो तुम्हारी 10 हो गई, तुम्हारी 5 हो गई, वो ऐसे गर्मा गर्म बाउंसर से उनका जो है खुशामदीद कह रहा था, किसी के इधर से गुजर रहा है, उधर से गुजर रहा है, कोई इधर लग गई, कोई उधर लग गई, कोई हेलमेट पे लग गई, वो ऐसे लग रहा था कि बंदा कोई पता नहीं कैसे बड़े महाज पर लड़ रहा है जाके। तो भैया वो मुश्किल वक्त गुजारा केविन हॉज ने, कुछ इधर खा ली, कुछ से गुजर गई, कुछ से बच गए, कुछ एज निकल गए, एक कैच भी ड्रॉप हुआ, आपस की बात है स्पीच में, जो रूट ने सीधा सीधा सा कैच छोड़ दिया, शायद वो लाइट ले रहे थे, वेस्ट इंडीज के ये नए पूत हैं, लपूते हैं, अभी आउट हो जाएंगे, अभी नहीं तो 10-15 रन के बाद फिर आउट हो जाएगा। लेकिन केविन हॉज ने भैया ठान ली थी कि भैया वो गोरों को, आपको यानी इंग्लिश क्रिकेटर्स को, उनके घर में थोड़ा टफ टाइम देना है। तो भैया वो तो वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर था, कहीं ना कहीं पानी तो वेस्ट इंडीज़ का पिया ना, तो बहरहाल जी लड़के ने हिम्मत दिखाई, कुछ सही है, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा यूज्ड टू हुआ तो उस पर खूब कटे, खूब पुलें मारी उसने, छपाक 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 छपाक, यानी कोई चपेड़े, कोई कट, कोई पुल, ओए होए होए, लड़के ने दिल जीत लिया भाई, क्या क्या दिलेराना बैटिंग की है उसने, आए क्या बात है यार, बहुत आला, सुपर क्लास, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव, ऐसा एक कमेंट मुझे देने का दिल कर रहा था उसकी बैटिंग को देख के। और उन्होंने पहले उसको पुल पे तंग किया, लेकिन फिर जिसने शॉर्ट बॉल किया ना भैया, स्क्वेयर लेग से लेके मिड विकेट तक केविन हॉज ने फिर वो धुलाई की, वो जैसे धोबी घाट में नहीं धुलाई करता, वो पुराने जो डंडा लेके ना, जो कपड़े ठे पीट के रख दिया उसने, और स्पिनर को जो उसने कटे मारी, ऐसी नरमो नाजो कटे, ऐसे लग रहा था कि भाई कोई ब्रांडेड शॉट मार रहा है, कोई खुद ब्रांड शॉट मार रहा है यार, ऐसी कमाल के कट उसने मारे, और रेजिलियंस शो की, और एक वेस्ट इंडीज को उस पोजीशन पे ले आया कि जिस पे कम से कम वो मैच में अब इन रहेंगे अगर वो आगे कोई बहुत गलत नहीं खेलते हैं। और वैसे भी जब वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर अच्छा करता है या वेस्ट इंडीज अच्छा करता है तो बाय डिफॉल्ट ना सबको अच्छा लगता है, कि उनकी लेगेसी ऐसी है क्रिकेट में, ऐसा नाम पैदा किया है। सो अभी ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उनके प्लेयर कुछ बहुत सारे अमेरिका निकल जाते हैं बास्केटबॉल खेलने के लिए, कुछ और निकल के बहुत सारे प्लेयर डिफरेंट लीग्स क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, मुख्तलिफ कंट्री से जाके खेलते हैं। लेकिन भैया कहते हैं ना, इमारत बताती है, खंडरात बताते हैं कि हमारी इमारत कितनी शानदार थी, तो वेस्ट इंडीज़ का तो ये है, जिस कंट्री ने विव रिचर्ड्स को बनाया हो, क्लाइव लॉयड, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, इयान बिशप, ब्रायन चार्ल्स लारा, कॉल हूपर, एम्ब्रोस, वॉश, पता नहीं हम कितने कितने नाम लेंगे, मेलकम मार्शल नाम लेना शुरू किए, सर कालीचरण, रॉय फेडरिक्स, पता नहीं क्या क्या, वेजले हॉल, यानी हम एक नामों की लिस्ट बना सकते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े लांस गिब्स के कैसे कैसे नाम वेस्ट इंडीज ने प्रोड्यूस किए। तो जब वो कुछ अच्छा करते तो अच्छा लगता है, जैसे वेस्ट इंडीज ने 2012 का T20 वर्ल्ड कप जीता तो पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया उनकी विक्ट्री को, 2016 का जीता पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया उनकी विक्ट्री को, तो एक ऐसी साइड है जो कि जब जीतते हैं तो जो उनकी सेलिब्रेशंस होती हैं भैया, वो देखने के लायक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, हर कोई करता है अपने अपने लिहाज से सेलिब्रेशन करता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का कोई जोड़ नहीं है, जिस तरह वो फन करते हैं विकेट लेने के बाद,
जो उनके एक्रोबेटिक्स हैं, एथलेटिसिज्म है उनके अंदर, जो डांस है भाई, क्रिकेट में इंजॉयमेंट ना, सेलिब्रेशंस वेस्ट इंडीज पे ख़त्म है। तो बात कहाँ से निकली थी, कहाँ निकल गई, तो इट्स अ वेरी गुड इनिंग्स, उसको एक स्पेशल ट्रिब्यूट है केविन हॉज को, इंग्लैंड में जाके उसने परफॉर्म किया, सेंचुरी कर दी और खूब दौड़े लगवा दी इंग्लैंड के खिलाड़ियों की। तो आप कैसे रेट कर रहे हो उनकी इस इनिंग्स को, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।